हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो कुछ थोड़ी अलग है। तो इस वीडियो में बनाने वाले हम एक हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जो आपके वेल्डिंग के लिए काम भी आ सकता है, लेकिन लेकिन ये काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें एसी वोल्ट बहुत ही ज़्यादा करंट आएगा। तो आप इसमें थोड़ा सावधानी पूर्वक ही बनाएं अगर आप बनाते हैं तो। चलिए बनाते हैं वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये रखी है मेरे पास टीवी की फ्लाई बैक कोर होती है वो, और ये मेरे पास है कॉफर की जो प्लेट होती है वो वाली है, पत्ती है थोड़ी। तो ये देख सकते हैं, इसमें मैंने 3+3 यानी टोटल 6 टन भरे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं, इसको इसकी कोर में लगा लेता हूँ मैं। इसको अभी लगा लेता हूँ मैं, थोड़ा रुकिए, अभी इसकी सेकेंडरी कॉइल दिखाऊँ मैं आपको। ये देखिए, इसमें मैंने कॉइल भरा 0.7 mm का कॉपर वायर है इसमें। इसमें मैंने टोटल 90 टन भरे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं, काफ़ी सिंपलिस्टिक है, कुछ भी नहीं है, आप भी भर सकते हो। सिर्फ आपको कोई कागज वगैरह कुछ भी ले सकते हो। आप इसमें टोटल टन 90 भर लीजिए, सिंपलिस्टिक है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने भर लिया, ये पहले ही कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि मैंने इसका जो टेस्ट किया था, वीडियो बनाई थी, पहले ही मैंने बना लिया था। कोई नहीं, आप भी भर सकते हो। तो इसकी जो प्राइमरी कॉइल है वो मैं लगा लेता हूँ, और जो सेकेंडरी कॉइल उसको भी लगा लेता हूँ। दोनों को लगाते हैं अभी। तो ये देख सकते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है। इसका जो ट्रांसफार्मर है, हाई वोल्ट ट्रांसफार्मर, जो आपके वेल्डिंग के काफ़ी काम आने वाला है। अगर आप चाहते हैं इमरजेंसी वेल्डिंग करना तो आप इससे कर सकते हो। काफ़ी हैवी इसका जो एम्पियर प्लस जो वोल्ट है आपका, काफ़ी हैवी है इसका। तो अब हमें चाहिए मॉस्फेट। तो ये देखिए मेरे पास IRF Z44N मॉस्फेट। तो ये देख सकते हैं, इसमें 5 मॉस्फेट मैंने लगाए हुए हैं एक हीट सिंक पर। आपको हैवी वाले हीट सिंक पर लगाना है, क्योंकि जब ये चलेगा तो इसमें थोड़ा लोड भी पड़ेगा। तो ये देखिए मेरे पास, मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ 10 मॉस्फेट, जो इसका एम्पियर है प्लस वोल्ट है वो काफ़ी हैवी रहने वाला है। तो इसकी जो सोर्स पिन है वो अभी लगा लेता हूँ जल्दी जल्दी से दोनों की। तो ये कनेक्ट सोर्स पिन। अब हमें चाहिए 100 ओम का रेजिस्टेंस, ये देख सकते हैं। तो इसको हमें इसकी जो गेट पिन है और जो सोर्स पिन है उसको लगाना है। मैं जल्दी से लगा लेता हूँ दोनों को। तो ये कनेक्ट हो चुकी हैं, ओके। ये मेरे पास है 200 ओम की 5 वाट की रेजिस्टेंस है। इसको आपकी ड्रेन और जो इसकी इसको आपको इसकी जो ड्रेन पिन है और जो इसकी ड्रेन और जो इसकी गेट पिन है उसको साथ कनेक्ट करना है, और जो गेट और ड्रेन के साथ कनेक्ट करना है दोनों रेजिस्टेंस को। तो कनेक्ट कर लिए, ये देखिए कंप्लीट, सिंपल है काफ़ी। इस पर मैंने पहले वीडियो भी बनाया है। तो ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के जो वायर हैं ड्रेन से मैंने कनेक्ट कर लिए हैं। तो चलो उसे तो थोड़ा चेक करते हैं। ओह तेरे, ये तो थोड़ा गलत हो गया, इसमें जो कॉइल लग रही थी इसमें फॉल्ट हो गया बीच में। तो ये सही हो गया, मैं सही कर लिया, दूसरी कॉइल भर दी इसमें। तो ये देखिए सही है। तो अब इसमें मैंने कैपेसिटर लगाया, अब ये देख सकते हैं, इसमें 155 GB का 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया, जिससे मॉस्फेट आपका लोड ना पड़े, ठीक है। तो इसको हम बड़ी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, वो थोड़ी छोटी बैटरी थी वो मर गई सारी बैटरी, तो बड़ी बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो ये देखिए, तो चलिए चेक करते हैं। तो देख सकते हैं भाई साहब, क्या बात है इसमें वोल्ट, ये देखिए कितना कितना इसका लाइट जो लाइट दे रहा है, ये देखिए
मेरे पास इसका जो कॉइल जो वेल्डिंग का वायर है वो नहीं है, मैंने पन्ना में आपको वेल्डिंग भी करके दिखा था। इसका एम पे बहुत हैवी है भाई। तो ये देखिए वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आगे।